हेलो दोस्तों, ये है दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु, जिसका स्टेट एनिमल है ये नीलगिरी तहर। भेड़ों और बकरियों का करीबी ये दुर्लभ जीव यहाँ के नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। ये यहाँ पर समुद्र तल से 1200 से लेकर 2600 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ के वर्षावनों और खुले घास के मैदानों में देखा जा सकता है। 20वीं सदी के अंत तक आते आते शिकार, क्लाइमेट चेंज और डोमेस्टिक एनिमल की ओवर ग्रेजिंग के कारण ये पूरी दुनिया में महज 100 के आसपास ही रह गए थे और आज इनकी संख्या यहां पर 1800 से 2000 के आसपास है। संख्या में भले ही इनकी तादाद बढ़ गई हो, मगर आज भी ये दुर्लभ जीव IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है और संरक्षण के बावजूद भी इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। हर्बीवोरस प्रवृत्ति का ये जानवर यहाँ छोटी घासों, झाड़ियों और पत्तियों पर निर्भर रहते हैं। आमतौर पर यह जीव सोशल प्रवृत्ति का होता है और इनको यहाँ पर 6 से लेकर 100 के समूह में देखा जा सकता है। मेल फीमेल से आकार में बड़े और गहरे रंग के होते हैं। एक एडल्ट 1 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और वजन में 100 किलो तक हो सकता है। इनके मेल और फीमेल दोनों के ही पीछे को घूमे हुए हॉर्न होते हैं। हॉर्न की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इराविकुलम नेशनल पार्क इनके लिए सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, जहां ये सबसे ज्यादा सघनता में पाए जाते हैं। इस पार्क में इनकी संख्या 300 के आसपास है। वैसे ये जीव दिन और रात दोनों ही समय सक्रिय रहता है, मगर मॉर्निंग आवर्स और आफ्टरनून में ज्यादा एक्टिव दिखाई देता है। इनके समूह की खास बात यह भी है कि जब समूह के सदस्य आराम कर रहे होते हैं, तब एक सदस्य पहरा देने का काम करता है और शिकारी को देखते ही बाकी सदस्य को अलार्म कॉल देते हैं। इनकी आईसाइट भी काफी ज्यादा होती है, जिसकी मदद से ये शिकारियों को काफी दूर से ही देख लेते हैं। वैसे तो ब्रीडिंग का समय साल भर रहता है, मगर जुलाई से लेकर अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा मेटिंग होती है। इनका गर्भकाल 180 दिन का होता है, जिसके बाद एक फीमेल एक बार में एक बच्चे को आमतौर पर जन्म देती है। काफी बार फीमेल साल भर में 2 बार भी बच्चों को जन्म देती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी ऐसे ही वर्ल्ड फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले हफ्ते हम आपके लिए एक और राज्य, वहां के एक अनोखे जानवर के बारे में जानकारियां लेकर आएंगे।